बोलिए सद्गुरुदेव की। साहेब मैं अपनी बातचीत वहीं से शुरू करूंगा जहां कल छोड़ी थी। गंग उलट धरो जमन बासा करो पलट पंचतीर्थी पाप जाई। कहे कबीर ये सत्य की सहन है सत्य का शब्द सब संत गाई। अधिकतर आप सुनते होंगे कि ये काम करो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, ये तीर्थ करो, ये दान पुण्य करो, ये शुभ कर्म करो, तुम्हारे पाप कटेंगे। ये चीज़ अक्सर आप शास्त्रों में लोगों से पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहली बात यह है कि पाप हमारे साथ कहाँ पर रहते हैं, पाप जो कटेंगे उसकी विधि क्या है, कर्म और पापों का संचित कहाँ पर है, कैसे कटते हैं। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं तुम्हारे पाप कट जाएंगे, ठीक है, हम मान रहे हैं। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, अनेकों जन्म के संचित कर्म आपके अंतःकरण में है। आप जो जो कर्म कर रहे हैं लिख लिख के सब धरत है, ये आपके अंतःकरण में है। इसलिए साहेब कह रहे हैं नाम की ताकत से पाप कैसे कटेंगे वो सुने। अब साहेब एक बड़ी बात कह रहे हैं, कहे कबीर ये सत्य की सहन है सत्य का शब्द सब संत गावे। गंग उलट धरो जमन बासा करो पलट पंचतीर्थी पाप जाए। हाँ, कह रहे हैं सुषुम्ना में जाने के बाद आपका अंतःकरण, आपकी सुरती वहां चैतन्य होती है और जन्म जन्मांतर के किए हुए कर्म वहां नाश हो जाते हैं नाम की ताकत से। साहब ने नाम पर एक बात बड़ी साफ कही है, नाम जो रत्ती एक हो, नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सवै झार के झार करे, जैसे चिनगी आग की बड़ी पुरानी घास। इसलिए साहब कह रहे हैं वहां पर पंचतीर्थी इस स्थान को कहते हैं पांचों तत्व, यानी हमारी आत्मा का वास इस स्थान पर है। तो कह रहे हैं फूर वर्षा था रहन दिन झरत है नायर सो पर भव नहीं आवे। हाँ, कह रहे वहां पर अमृत की वर्षा हमेशा हो रही है, जो उसमें नाया फिर संसार सागर में फिर नहीं आता है। अब यहां एक चौंकाने वाली बात है, यहां नहाना अलंकार से बोला गया है। नहाना ऐसा कोई नहीं है कि जैसे हम पानी में डुबकी मार रहे हैं, शब्द स्नान कोई ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप कोयले के कुंड में गए तो कोयला लग गया ना। इसी प्रकार से जब आप अंतर जगत में जाते हैं तो वहाँ साहेब की कृपा से ये सब चीज़ें आपकी सुरती को चेतन करती है। नाम की ताकत तो बहुत बड़ी है। फिरत बारे तहाँ बुद्धि को नाश है बांश के भटकते सिद्ध नहीं। दरअसल मन बुद्धि चित्त अहंकार जब तक है हमारे साथ में तो हम इस स्थूल जगत को देख रहे हैं, माँ मेरी है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरा घर है, ये सब चीज़ें जो है ये हमारी आत्मा की स्थिति नहीं है। वहाँ पहुँचने के बाद में हमारा ब्रेन भी लॉकअप हो जाता है, हमारा अंतःकरण काम करने लगता है, तब सुरती जागती है। जैसे जागृत अवस्था में अगर आप कितनी भी कोशिश करें तो स्वप्न नहीं देख सकते हैं, स्वप्न में आप कितना भी प्रयास करें जागृत अवस्था की स्थिति को नहीं देख सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो अंतःकरण ही वहां पर कार्य करता है और वो उस ताकत से रोशन होने लगता है। इसलिए पूरी संतत्ति की धारा को उठा करके अगर आप चेक करेंगे तो आपको ये चीज़ उस पर मिल जाएगी, ठीक है। कहे कबीर यह युक्ति को कहेगा जन्म और मरण तब अंत पाई। कह रहे हैं इस सूत्र को जब पकड़ लेगा जन्म और मरण के से अंत हो जाएगा, फिर बार बार जन्म नहीं होगा, जन्म मरण से ये छुटकारा प्राप्त कर लेगा। बप बालोतरा माह बाबो रहे ज्ञान प्रकाश बिन रहे नाही।
बोलता चालता खावता पीता कहे कबीर रहे माही। वह एक जगह यहाँ साहब क्या करे, फिर एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि आप चाहे याद करो चाहे नहीं करो, आपको वो चीज़ याद रहेगी। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी चीज़, मान लो आपको कोई आवश्यक काम करना है आपके चित्त में है, तो आप चाहे बाकी भी काम कर रहे हैं, एक आपके चित्त में अक्स बना रहता है कि मुझे ये काम करना है। इसी प्रकार जब आप सुमरण वो अवस्था बन जाती है तो उसका एक उन्माद आप में रहता ही है। जैसे आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो अनायास अनचाहे उसकी छवि हमेशा आपके अंतःकरण में रहती है। इस प्रकार से फिर वो अंतःकरण में पूरी चीज़ें स्थित हो जाती है। फिर वो कह रहे हैं नाम न जपा तो क्या हुआ, जो अंतर है हित पतिव्रता पति को भजे कभी नाम नहीं लेते। जब ये स्थिति आती है जो लोग नहीं समझ पाते तो कहते भाई कबीर साहब की वाणी अटपट है, कहीं का कहीं बोला, कभी कह रहे नाम जप कभी कह रहे नाम नहीं जपा। नहीं, एक प्री स्टेज होती है सुमरण, और जब वो उसमें रत हो जाता है उसके बाद उसको फिर ये जरूरत नहीं है कि वो सुमरण करता रहे, वो हो ही जाता है। बोलता चालता खावता पीता कहे करे उपदेश और रहे माही। हाँ, खाता पीता बोलता चालता उसी में पर रहता है। कहे कभी बोलता सही कर सो जन्म और मरण में ना ही आवे। दुनिया बोलती है, ठीक है, कभी कभी कुछ कहते हैं भैया मुझे माफ करना मैं गलत बोल दिया, वो चेतन नहीं था तो वाणी से पहचानी। अगर जिसकी वाणी एकाग्र है, कभो शब्द कहे नहीं कांशा, तो आप समझना वो चेतन है। बस आप अपनी वाणी पर भी पूरा नियंत्रण करें। देख वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद सो सही पाए। वजूद यानी अपने आपे में, अपने खुद में आप आए। मौजूद रहने का मतलब है वहाँ स्थिर हो जाओ आप। जब वहाँ स्थिर हो जाते हैं उसके बाद में आपको कोई और झंझट नहीं होगा, क्योंकि आप तब अपने में हैं। यहाँ साहब ने एक शब्द कह दिया, तन रहते मन जाते, मन रहते तन जाए कहे कबीर। तन मन जब एक रहे तो हंस कबीर का। आप एक चीज़ को अनुभव करें, 24 घंटे ये मन कुछ न कुछ उपम्पो उथल पुथल कर ही रहा है। आप जिन चीज़ों का चिंतन कर रहे हैं उन वहाँ पहुँच जाते हैं। जा की सूरत लाग रह जाए वहाँ कहे कबीर पहुँचाऊँ थे वहाँ। इसलिए ये सुरती आप हमेशा चेतन रखो। आप ये ध्यान दो कि आपकी सुरती इधर उधर न दौड़े, सुरती सूरत गहरा किए। खेल सारा सूरत का है। सूरत पसी संसार में ताते पड़ गए दूर, सूरत मान स्थिर करो आठों पैरों। बस ये उठ जागरी मोरी सूरत सहागन जागरी, क्या तू सोए मोहनींद में उठ के भजन में लागरी। इसलिए चलते फिरते खाते जागते सोते आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपका ध्यान आपकी सुरती कहाँ है। बस आप सूरत संभाले कहा जाए तू ना भरम भुलाए, मन सयार मन सा लहर लहर बहे कतो ना जाए। देख वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो सही पावे। फिर मन पवन को घेर उल्टा चले, 5 और 25 को पलट लावे। फिर मन पवन को घेर उल्टा चले, हमारा मन संसारोमुखी है, हमारी पवन भी अर्धमुखी है, हमारी पवन हमेशा नाभि की तरफ चल रही है। कह रहे हैं मन और पवन को फेर किससे फेरेंगे भाई, सूरत के दंड से, सूरत रूपी डंडे से घेर मन पवन को, सूरत के डंडे से मन और पवन को घेर। फिर उल्टा चले, धर और अधर्म इस ध्यान लावे कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म और मरण का भ्रम माने। फिर वो जन्म मरण के भ्रम से छूट जाता है। नीर बिन कमलता है देख अति फूलिया कहे कबीर मन भवर साजे। पानी के बिना कमल कभी नहीं फूल सकता। आपने अपने जीवन में देखा होगा, बाकी फूलों का बगीचे देखे होंगे, लेकिन कमल को किसी बगीचे में आपने खिलते नहीं देखा होगा। उसको क्या चाहिए, नीर। तो साहब कह रहे हैं वहां नीर बिन कमल खिला, बिना नीर के वहां कमल खिलता है।
साहब की दया से खेल प्रकट हुआ, आकाश का खेल को कौन जाने। ये सब जितनी बारीक चीजें, लोग पवन का तो साधना करते हैं, योगी भी करते हैं, खट चक्र भेदन करते हैं, सूरत का मामला बस नहीं पता है। अब साहब क्या करें, जो कुछ है वो सूरत है, सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतो ना जाए। होए अलिक सो ले खेल पावे से ही, मगन होए आप में मौज मन। अलिक का मतलब है हम सब एक दुनिया भी लीक और टाइप और कस्टम के अनुसार चल रहे हैं। बोला अलिक हो जा, उससे हट जा और वजूद में आ जा। सदा निर्द्वंद कोई ध्वंद व्यापे नहीं गुरुदेव की मेहर से तब मौज पाई। अब निर्द्वंद का मतलब है हम ध्वंद, ध्वंद एक युद्ध को कहते हैं, एक कश्मकश को कहते हैं, वो निर्द्वंद हो जाता है। वो उसको कल्पना है, जैसे स्क्रीन पर आपको मैं दिख रहा हूँ, मेरी वाणी दिख रही है, जो शब्द लिखूंगा वो दिख रहे हैं, इस तरह उसके बाद मन इतना साफ नजर आता है, मन की क्रियाएं दिखती है, मन क्या कर रहा है ये समझ में आ जाता है नाम के बाद, उस ताकत के बाद। इसलिए ये सुरती को जगाना है भैया, जो कुछ है वो सूरत है। अंधी सूरत नाम बिन जानो, सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर, सूरत मान स्थिर करो आठों पहर हुजूर। कहे कभी ये खेल सुख सिंध में, भूल भ्रम में नहीं अंत जाई, चक्र के बीच में कमल अति फूलिया, ताश का सुख कोई संत जाने, कुफल नौ द्वार और पवन को रोकना, भ्रकुटी मध्य मन भवर ठाने। वाह, कुफल ताले को कहते हैं। बोला नौ द्वारों में ताला लगा दो। अब अगला आदमी सोचेगा भैया नौ द्वार में ताला कैसे लगाए, कौन सा ताला, कौन सी कुंजी। और साहब कह भी रहे हैं कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, जतन कर रहे सखी साई मिलन की। अब सुनो साहब क्या करें, कुफल नौ द्वार और पवन को रोकना, भ्रकुटी मध्य मन भवर ठाने। बचपन में आपने खेल देखा होगा, नौ द्वारों में ताला कैसे लगता है, आपने बचपन में खेल देखा होगा। तराजू के पलड़े में हम लोग भी बचपन के खेल खेलते, वो पुराना जमाना था। ये आज तक आज की तरह से ये कहीं रिमोट वाली गाड़ियाँ बाकी ये चीज़ें थी नहीं है। माँ एक पुराने कपड़े का गेंद बना देती थी जाखिल, और दूसरा गिल्ली डंडा लकड़ी का देते थे, जा भैया इसे तू खेल, लुका छुपी खेल, आपस में खेल, धूल मिट्टी में खेल, आज की तरह नहीं था। तो तराजू के पलड़े में पानी डालते थे, पानी डाल करके ऐसे घुमाते थे, जब ऐसे घुमाते थे पलड़ा तो चौड़ा, उस पर ढक्कन नहीं है लेकिन गिरता नहीं था, वह वायु के प्रेशर के कारण। हम वायुमंडल में, इस तरह हमारे धरती के चारों तरफ तो ये संतरे की तरह धरती है, पानी पानी है, गिर क्यों नहीं रहा है, इसकी ग्रेविटी और घूमने के कारण से, वायु के अस्तित्व के कारण से ये पानी नहीं गिर रहा है। इस तरह पवन से रुका तो वो कुबल नौद्वार, नौद्वार में कैसे लगाया ताला, जब ये अपान समान उदान प्राण सर्वतन ब्रान देवदत्त कृतकिल नाग धनंजय सबल आदि वायुएं उठ करके जब सुषुम्ना के अंदर आई, तो उस खिंचाव से ये पूरे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और पवन ने धूका दिया तब गगन गर्ज जो आए गए, वही ताकत वो जाकर के फिर दसवां द्वार खोलती है, वो सिमट जाती है पूरी ताकत अपने में। इस पर साहब अपनी वाणी में एक शब्द और कह रहे हैं, सुन्न महल की फेरी दे सो वैरा की पक्का हुई। जब ये चीजें किसी से पूछो तो कह रहे अटपटी वाणियां, कह रहे हैं भैया ऐसा तो कहीं लिखा पढ़ा ही नहीं है। सही बात है। और साहब ने अपनी वाणी में साहब कहा, वेद कितेब पार नहीं पावत कहन सुनन से न्यारा है। बोले भाई वेद कितेब इसको पार नहीं पा रहे, कहने सुनने से ये न्यारा है। अब जो बेगत देश हमारा है, ये कहने सुनने में नहीं आएगा। जहां तक जह लग बोल तह मने जड़ाया, जहां तक बोल रहे वहां पर हमारा मन ही है। चक्र के बीच में कमल अति फूलिया, ताश का सुख कोई संत जाने। जब इस तरह वो अंतर्मुखी हो जाता है, उस सुख को कोई संत जानते, वो असीम है, वो फिर जीवन में आदमी कभी नहीं भूलता। बाहर का जगत स्वप्नवत लगता है, वो है ही स्वप्नवती अवस्था का खेल है। साहब ने, संतों ने भी तो वाणी में कहा, नानक देव जी फरमा रहे हैं, ज्यों सपना पेकड़ा जग रचना तिम जान, इसमें कुछ साचो नहीं ये नानक साची मान। साहब ने तो कहा ये संसार
रैन का सपना, वाह वाह, सपनवत का। इस तरह से अपनी मूल स्थिति में जब आ जाता है आदमी, महाप्रज्ञा में आ जाता है, उससे ऊपर चलता है, तो उसको फिर यहाँ आने के बाद दुनिया कैसे लगती है? झूठ लगती है, स्वप्न लगता है, भ्रमांक लगती है, अजीब सी लगती है। साहब ने कोई भी वाणी गलत बोली नहीं है। कुछ लोग जब नहीं समझ पाते तो कहते हैं भैया जहाँ से आया कबीर ने वहीं से बोला, ऐसा कुछ नहीं है। तो साहब वाणी में कह रहे हैं अटपट वाणी कबीर की झटपट लखी न जाए। वाह, जो कोई झटपट लखे बाकी दुर्दा जाए, अटपट वाणी कबीर की झटपट लखी न जाए, जो कोई झटपट लखे ताकि वेदन जाए। इस तरह से साहब कह रहे गंगा और जमन के घाट को खोज ले भर गुंजारते हैं होए भाई। अब कह रहे हैं गंगा और यमुना के घाट को खोज, भवर गुंजार वहां हो रही, आंतरिक धुने हो रही है। सरस्वती नीर तय देख निर्मल रहे, तास के जल पिए प्यास जाई। अब कह रहे हैं गंगा और जमन के घाट को खोज ले, ये गंगा इंडा, ये जमुना दहने पिंगला, कह रहे इनके घाट को खोज, वहां भवर गुंजार धुने हो रही है, बंक नाल में चल। तो कह रहे सरस्वती नीर तह देख निर्मल बहे। अब लोग कहां पहुंच जाते, इलाहाबाद पहुंच जाते, कि गंगा जमुना के, ये संतों की वाणी है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की ची भीड़, वाह। इस तरह वहां ये आंतरिक भेद की चीजें संतों ने दुनिया के आगे जब बोली तो संसार के लोग इन चीजों को नहीं समझ पाए, तो उन्होंने कहा अरे भैया छोड़ो, इन्होंने जहां से आया वहां से बोला। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है कि जहां से आया वहां से बोला, बिल्कुल नहीं। सरस्वती नीर तय देख निर्मल बहे, तास के पिए प्यास जाई। पांच की प्यास तय देख पूरी भई, तन की ताप सो लागे न है, तन की ताप सो लागे न। पांच की प्यास क्या, ये पांचों तत्व भी शांत हो जाते हैं, 25 प्रकृति भी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। ये क्या है, भूख प्यास आलस्य निद्रा, ये सब नियंत्रित हो जाएगी। और जितनी भी पांच तत्व की 25 प्रकृतियां हैं, इस पर कहा भी है ज्ञान भूमि के बीच तय लगत ना भूख और प्यासा। इस तरह वो एक ऐसी निर्द्वंद अवस्था में पहुंच जाता है, ये कहीं दूर नहीं है। आपको पहले मन कल्पना से ये चीजें कठिन जता रहा है, मन ने कल्पना उठाई है तो हो असंभव है, तो आपने उसको मान लिया। बस अंदर वो एक भाव उठा करके आपके अंदर निराशा की भावना पैदा करता है। पांच की प्यास देख पूरी भई, तीन को ताप सो लगे नहीं, रज तम सत तीनों गुण वहां पर नहीं है, इसलिए एक अद्भुत स्थिति वहां पर बनती है। कहे कभी ये खेल अगम का, गैब का चानना देख माई, वाह। कह रहे ये अगम का खेल है और गैबी चानना रूहानी प्रकाश, बाकी सब चीजें अपने अंदर में देख ले, पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ पाए। पांच को पलट कर तीन को जीत ले, महल चौथे की खबर जानी। पांच जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, ये पांचों तत्व अपनी अपनी पूरी पूरी नेचर दिखा रहे हैं, लेकिन जब आदमी उस स्थिति में पहुंचता है इनका जोड़ नहीं चलता। आपको ध्यान होगा मैंने कई बार इसका उल्लेख किया है कि मैं फिजिकल भी भूख प्यास आलस्य निद्रा से किस तरह से अलग हुआ, मैंने इसका विवरण भी दिया है, इसका एक एपिसोड भी अलग से बना करके मैंने उसको डाउनलोड किया हुआ। महल चौथे की खबर पाई, आप ये पूरा ताम झाम गंदगी लेकर मन बुद्धि चित्त अहंकार और काम क्रोध भूख प्यास आलस्य निद्रा के साथ में आंतरिक जगत में नहीं जा सकते हैं, इसलिए वो बहुत बारीक खिड़की है, खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है, अस्त करे नैनों के तिल में वहीं से उसका रास्ता है। साहिब वाणी में फिर बार बार बोलते हैं सुन महल की फेरी देई सो वैरागी पक्का हुई। गगन गरजे तहां नीर नर झर झरे, वाह। परख पीवे कोई संत पूरा, वो अमृत में नीर झर रहा है, ऐसा कोई पानी झर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर हम सब भौतिक संसार में रहने वाले हैं तो हम सब क्या चीज समझते हैं? हम वही समझते हैं जो भौतिक चीजें हैं।
इसलिए वो परम पुरुष को तो उसकी संज्ञा तो ये दी अनिर्वचनीय अकथ अकह अनादि अनंत साहिबाणी में कह रहे कल्पो युग अगर बीत जाए और अनंत मुख से भी उसकी वर्णन करे तब भी जिब्या नहीं बोलेगी, इसलिए उसको अकह बोल दिया, अबोल बोल दिया। वो ऐसी स्थिति है जो पहुंचा जाने का भाई कहन सुनन से नहीं आ रहा है। ये कुछ मुश्किल नहीं है, बस आप अपनी तवज्जो पलटो, जैसे माया मन नमा तैसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। कह रहे कहे कबीर मस्तान माता रहे बिना मर्दन बजे तूरा, मांड मंथान मई रही को फेरना, होय घमासान तय मगन गगन गाजे, उठे झनकार तय शाप धन धुरे, त्रुकटी महल में बैठ छाजे। इस तरह से ये पूरे आंतरिक खेल है, ये कोई स्वप्न नहीं है, सभी संतों ने वर्णन किया है। बस ये क्या है, मैं मैली पियो अति उजरा, मैं मैली पियो अति उजला कैसे मिलना हुई। बस अगर कोई कमी है तो आपकी तरफ से है, कमी साहब की तरफ से नहीं है। बस आप अपने को साधो, एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। बस ये सूरत को साध लो, पूरा खेल आपके सामने उजागर है। कभी कभी मुझे लोग कह रहे हैं जी मैं सतलोक हो गया हूं, कुछ और पंथ के भी आते हैं। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, मैं तो खोजत फिरूं, खोजत फिरूं, भेदवा घर को कोई देतना हामी। मैं पूछता हूं अच्छा ठीक है कैसे गए, तो दस मुकामी रखते में कबीर साहब ने दसों मुकाम के विषय में कहा है, वो रिपीट कर देते मेरे आगे। मैं कहता बड़ी अच्छी बात है, मैं बोला एक बार गए हो और भी कई बार गए हो, तो कहते हैं हाँ जाता हूँ। मैं बोला दोबारा कैसे जाते हो, तो बोलते हैं इस तरह से फिर पूरा क्रॉस करते हुए जाते हैं। मैं जान जाता हूँ गप मार रहे हैं, बाद में ऐसे नहीं जाया जाता है। साहब कह रहे हैं तब व्यंग अवस्था को प्राप्त हो जाता है, और संतों के पास व्यंग मार्ग तो संत के पास है। तो कह रहे एक बार जो दर्शन पाए देखे बहुत विलंब न लाए, बस वो सुरती मार रखता है वहीं पहुंच जाता है, इधर कुछ होता ही नहीं। वाह, मान लो आपने रांझड़ी आश्रम देखा, पहले तो आप चल करके आए घूमकर, अगर अभी आप चाहेंगे तो सूरज से देख सकी वह, आप कंसंट्रेशन से भी पहुंच सकते हैं। इस तरह वो व्यंग चाल होती है सूरज के द्वारा। तो कुछ लोग अपने अपने हिसाब से बातें करते हैं और खंडित भी कर देते हैं, मैं कहता कोई बात नहीं है। उठे झनकार तय नाद अनह धुरे, त्रिकुटी महल में बैठ छाजे, नाम की नेत कर चित्त को फेरना, तत्व को ताय कर घृत लिया, कहे कभी सुसंत निर्भय हुआ परम सुखधाम तह लाय जिया। जैसे हम दूध को गर्म करते हैं, दूध को गर्म करके हम उसको मथते हैं, घृत कहते हैं घी को, घी न्यारा कर दिया, फरत करता है में ना समाये, उसके बाद वो शरीर में रहता है, वो महापुरुष शरीर में रहते हुए भी विदेह रहते हैं, खाते पीते उठते हैं, इस गाड़ी को चलाते हैं, लेकिन यथार्थ रहे सुरत रहे अलगान। इस तरह आप भी चलते फिरते ये स्मरण करना जीवन का यही सार है। मैं संगत को पुनः सूचना देना चाहता हूँ कि जब तक ये लॉकडाउन है हमारी मूवमेंट और आपकी मूवमेंट यहाँ बाधित है, आप नहीं बाहर निकल पा रहे हैं, इसलिए मैंने प्लान किया है जब तक ये लॉकडाउन पता नहीं कहाँ तक चले, क्योंकि ये कोरोना वायरस 19 डेंजर है और पूरे विश्व में तहलका मचा है, लॉकडाउन भी ज़रूरी था। तो तब तक मैंने सोचा
मैं रोज सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक संगत से मुखातिब हूँगा। तो आज इतना ही, और अभी आरती भी होगी। जय सत गुरु देवा Yeah।
का ध्यान दें, जो यूरोप में लोग हैं, जर्मन में, कुछ इटली में हैं, ऑस्ट्रिया में हैं, ग्रीस में हैं, हमें उनकी बड़ी चिंता है। मेरी उनसे प्रार्थना है कि बिल्कुल भी प्रिजर्वेशन पूरा पूरा लें और अपने घरों से बाहर नहीं निकलें। इटली में आपको पता होगा, जब ये कुछ दिन पहले फुटबॉल मैच हुआ था मिलान में, उसके कारण से मिलान, इटली के मिलान से डायरेक्ट वुहान के लिए फ्लाइट है, और चाइना के करीब करीब 1,00,000 लोग इटली में काम करते हैं, वो वहाँ से मिलान से आए पूरी ये बीमारी लेकर चाइना से, और पूरी इटली को डिस्टर्ब कर दिया। इसी प्रकार से फिर इटली में जो ये मैच हुआ था, सिर्फ वो ही नहीं थे, इसके अंदर पूरे यूरोप के लोग थे, इसलिए यूरोप पे और ब्रिटिश के लोग थे, इसलिए ये पूरा वहाँ फैल गया है। आप बाहर सुरक्षित नहीं हैं, आप अपने घर में रहें और स्मरण भी करें, प्रिजर्वेशन लें और साफ सफाई का पूरा ध्यान दें। हमें न्यूयॉर्क में जो संगत है काफ़ी, उसकी बड़ी चिंता है, ख़ासतौर पर कुलदीप सिंह जी के घर के, बाकी की भी, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा 81,000 लोग इस समय संक्रमित हैं, तो वो पूरा पूरा ध्यान दें। इस तरह कनाडा में, ब्रिटेन में हमारे बड़े लोग हैं, ब्रिटेन की भी दशा खराब है, भारत में काफ़ी अभी कंट्रोल है, तो मेरी प्रार्थना है वहाँ संगत थोड़ा सा वो ध्यान दें और सुमरण भजन भी करें और बाहर कम निकलें। अच्छा, ऐसा है, कल फिर साहब की कृपा हुई 10:30 बजे आपके सामने मैं पेश होऊंगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहब।